जहीराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक पत्रकार व उसके चाचा पर जानलेवा हमला हुआ। बताया जाता है कि वर्तमान ग्राम प्रधान व पत्रकार के घर से पुरानी रंजिश चल रही थी। यही नहीं, पत्रकार ने ग्राम प्रधान के काली करतूत सरकारी जमीनों पर कब्जे को लेकर कई बार खबर भी चलाई। इस पूरी घटना में स्थानीय थानेदार की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है। दरअसल में हाल ही में पत्रकार द्वारा लगातार खनन की खबर प्रकाशित की गई थी, जिसे लेकर स्थानीय थाना अध्यक्ष भी पत्रकार से रंजिश मानते थे। सूत्रों के मुताबिक थाना अध्यक्ष ने कुछ लोगों से ऐलान किया था कि पत्रकार की पिटाई कर दो, जो होगा हम देख लेंगे, जिसकी सूचना कुछ लोगों ने पत्रकार को दी थी, जिसका फायदा उठाकर ग्राम प्रधान व उसके बुर्गों ने पहले से खात लगाए पत्रकार पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पत्रकार व उसके चाचा को स्थानीय अस्पताल उपचार के लिए भर्ती कराया है। बताया जाता है कि घटना के बाद भी पुलिस की सह पर ग्राम प्रधान व उसके गुर्गे लगातार गांव में पत्रकार के परिवार को घेर रखा है, जिसकी सूचना पत्रकार के परिजनों ने अपने एसपी को दी है। अपर एसपी ने गांव में फोर्स लगवाने का आश्वासन दिया है। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए रायबरेली ब्यूरो हर्षित द्विवेदी की खास रिपोर्ट।